चलिए तो फिर से हमारे साथ तीन बहुत ही खूबसूरत और स्टूडेंट्स हैं और ये भी फाइनल ईयर के हैं। क्या है, कितने टाइम बाद विदा होने वाले हैं कॉलेज से? बस कुछ ही दिन रह गए। कुछ ही दिन रह गए आपके? बस 7 महीने बचे, फिर उसके बाद विदाई है। आप बताइए, आपके कॉलेज टाइम की कोई ऐसी कोई याद जिसको आप, वो आपकी पूरी जिंदगी याद रहेगी आपको, ऐसी कौन सी चीज़ है? यहाँ पे एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मेरा क्लब, पब्लिक रिलेशंस, मेरे सारे जूनियर्स, मेरे फ्रेंड्स, फन, एक्साइटमेंट, सब कुछ। ओके, इन शॉर्ट सब कुछ, मतलब पूरा कैंपस, कॉलेज लाइफ। तो आप जैसे स्कूल टाइम भी हमको याद आता है ना, तो उसमें और कॉलेज टाइम में कितना फर्क महसूस करते हैं? स्कूल टाइम एक टाइप में, मतलब जैसे चलो क्लासेस गए आगे, बट उधर सिर्फ फ्रेंड्स नहीं रहते, वो एक फैमिली बन जाती है। जब हम उनके साथ रहते हैं, हम उनके साथ खाना पीना, उठना बैठना, तो ऐसा लगता नहीं है कि वो हमारे भाई बहनों से कम है। और स्कूल टाइम में क्रश होता था और कॉलेज टाइम में प्यार हो जाता है? क्रश ही रहते हैं, क्रश ही है कॉलेज लाइफ में भी, क्रश ही रहते, क्रश ही रखे। अच्छा आप बताइए, वो फ्रेंड्स के साथ मतलब कौन से ऐसी चीज़ें जो आप NIT में करती, हमीरपुर में आप कौन कौन सी जगह थी जहाँ जाना पसंद करती थी? मुझे कैंपस में घूमना पसंद है, सबसे फ्रेंड्स के साथ तो कहीं भी जाओ अच्छा लगता है। ओके, आप कहाँ से हैं बेसिकली? मैं लाहौल से हूँ। लाहौल से? आप हिमाचल से ही हैं? आप सोलन? कांगड़ा, हिमाचल। अरे ये तो तीनों भाई हिमाचल ही निकले भाई, मेरे को लगा बाहर से होंगे, तो ये तो चलो घूम सकते हैं आप लोग, बीच बीच में आ सकते हैं ना जब भी रीयूनियन का टाइम मिलेगा। तो अभी वादे वूदे भी हो रहे होंगे कुछ? वादे तो सर बहुत होते हैं, अब निभाने पड़ेंगे बाद में, निभाने पड़ेंगे है? और आपका क्या अभी गोल है, आगे चल के क्या करेंगे? अभी देखो प्लेसमेंट्स ये सब, फिर आगे चल के देखते हैं क्या होता है। तो ये वो खूबसूरत याद है जो हम लोग कॉलेज से लेके जाते हैं और ये हमारे जहन में, हमारे दिमाग में काफी लंबे समय तक, जिंदगी के आखिरी मोड़ तक रहती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमसे बात करने के लिए।